जब मैं उस सवाल का जवाब देता हूँ तब मुझे बनाने के लिए उस विषय पर मजबूर होना होता है, जिसके लिए आपका भी फायदा है और बहुत सारे नौजवानों का फ़ायदा है। जैसे मेरे पास एक मैसेज आता है, जो एजेंट होता है उसको हम जो पैसे देते हैं एक साथ देने होते हैं या धीरे धीरे देने होते हैं। यस, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, यदि आप देखेंगे वहाँ पर, यदि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको सभी सवालों का जवाब मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एग्जाम्पल 50,000 देने हैं। सबसे पहले आपका जो सिलेक्शन हो जाता है आपका ऑफर लेटर मिल जाता है। तो दोस्तों, स्पेशल बात है, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप एजेंट को पैसे कब दें और कैसे दें। दोस्तों, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है कुवैत जैसे देश के लिए, यदि आपकी 50 में बात हुई है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, 50,000 आपको देने हैं, तो सबसे पहले आप ऑफर लेटर जब आपको मिलता है तब उस समय या उसके 10 दिन बाद आप 15,000 रुपये उसको दे सकते हो। उसके बाद जब आपका वीज़ा हो जाता है, वीज़ा आ जाता है, तो आप 15 दे सकते हो, और उसके जो बाकी 20 बचे हैं तो आप बाद में 20 में दे सकते हो, और बीच बीच में 10-10 या 5-5 करके दे सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, आप एक साथ दें। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, आप जो भी पैसा देंगे वो कैश नहीं देंगे, आप डिजिटल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑनलाइन पेटीएम सेटीएम जैसे भी आप ऑनलाइन दे सकते हो, बहुत अच्छी बात है। और आज के दिन में जो भी मैंने टॉप एजेंट ऑफ इंडिया के नाम दिए हैं, आप वहाँ तो धोखाधड़ी का नाम ही नहीं है, तभी उनको टॉप कंसल्टेंट कहा गया है। तो इसमें आप घबराए नहीं, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं कि आपने पैसे कहाँ दे दिए। यदि आपने कैश दिए तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको रसीद दे देंगे, उनका वो जो चार्जेस होता है 50,000-60,000 वो आपको चार्जेस देते रहेंगे, वो आपको बताते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको फोकस नहीं करके एक साथ पैसे दो, ऐसा कुछ नहीं है। सो नॉट अफ्रेड अबाउट दिस। दोस्तों, आपका सवाल आया था, अगला एक सवाल आया था, क्या हमारे पास वहाँ फेस्टिवल और हमारे जो हॉलीडे होते हैं, क्या हमको हॉलीडे यहाँ मिलते हैं? जी, हमको मिलते हैं, हफ्ते का वीकली ऑफ मिलता है। और जो भी इनके नेशनल, इनका जो कैलेंडर होता है, साल में इनके अराउंड 27 हॉलीडे होते हैं, वो किस, जैसे ईद में 6 छुट्टी होगी, रमज़ान में और आसपास जो भी छुट्टियाँ होती हैं वो आपको मिलती रहती है, उसका आपका कोई पैसा नहीं कटता है, वो आपको छुट्टी मिलती है। आप सब छुट्टियाँ एक साथ 15 दिन का वोकेशन ले सकते हो, मिनी वोकेशन, आप अपने घर में रह सकते हो, अपने दोस्तों के साथ मिल सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको यहाँ भी लोकल छुट्टियाँ मिलती है। दोस्तों, मैंने वीज़ा के बारे में बताया था, पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ, वीज़ा ओपन हो गया है, बहुत सारे लोगों को वीज़ा मिल चुके हैं, और हाल ही में काफ़ी लोग आ चुके हैं, बहुत सारे लोग 6 महीने से 3 महीने से इंडिया में फंसे थे, तो सभी लोग वापस आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट सभी नए व्यूअर को, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैसेज के लिए, आपके कमेंट्स के लिए। इंस्टाग्राम में बहुत सारे दोस्तों का फॉलो आ रहा है, मैसेज आ रहे हैं डायरेक्ट, इस विषय पर सर वीडियो बनाओ, ज़रूर आपके विषय पर वीडियो बनाई जाएगी। आप अपना क्लियर सवाल लिखें, कहाँ पर दिक्कत आ रही है। यदि आप केवल वीडियो का हैंडल पढ़ते हैं, वीडियो का टॉपिक पढ़ते हैं और वीडियो के अंदर क्या है आप उसको नहीं पढ़ते, तो आपसे ये गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखें, अपना कमेंट छोड़ें, यहाँ पर आपको समझ नहीं आता है, आपके मन में कोई भी सवाल आप नीचे लिखें, मैं जवाब देता हूँ। एक छोटा सवाल आया था दोस्तों, क्या वहाँ भी दिवाली मनाई जाती है, इंडिया फेस्टिवल मनाए जाते हैं? यस, यहाँ भी मनाए जाते हैं, बट कुछ यहाँ कानून है, जैसे आप पटाखे नहीं फोड़ सकते तो नहीं फोड़ सकते, अच्छा नहीं है ना पटाखे फोड़ना। दूसरा है, यस, यहाँ जो कम्युनिटी है, जो यहाँ 6 लाख इंडियन पीपल हैं, सभी का रिस्पेक्ट है, हर रीजन का रिस्पेक्ट है, हर का जो फेस्टिवल है उसको सब मनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप विदेश में हो और यहाँ आपको इंडिया का जो भी फेस्टिवल हो रहा है, होली है, दिवाली है, कुछ भी है, तो यहाँ भी मनाया जाता है। ऐसे एक दोस्त का सवाल आया था, अभी मैं दुबई में हूँ और मेरा यहाँ 2 साल होने वाला है, क्या मैं यहीं से कुवैत आ सकता हूँ? यस मैन, यू कैन कम हियर, मोस्ट वेलकम। सबसे पहले आप कंपनी से कॉन्टैक्ट करें, कंपनी का जो भी आपका रिलेशन है, कंपनी ओपन इंटरव्यू डालती है, आप उसमें अपना CV डालें, आपका सिलेक्शन होगा, सभी सिलेक्शन होगा, आपको इंटरव्यू के लिए टाइम दिया जाएगा, और ऐसी जूम के थ्रू आपका इंटरव्यू होगा, आपका इंटरव्यू सिलेक्शन हो जाता है, आपको वहाँ से केवल अपना जो वहाँ का आपका ID है उसको प्लस आपका जो वीज़ा लगा है उसकी कॉपी भेजनी होती है, उसके बाद कंपनी अगला प्रोसेस करती है। तो आप किसी देश से भी, के बहरीन हो, दुबई हो, कहीं से भी कहीं जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंडिया ही जाना पड़ेगा। तो मोस्ट वेलकम, यदि आप दुबई में हो, आपको कुवैत में
आपको दुबई में 25,000 का पैकेज है और यहाँ आपको 45,000 का पैकेज मिला। आप मोस्ट वेलकम, यू कम हियर। डू नॉट अफ्रेड कि आपको पहले इंडिया जाना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कंपनी डायरेक्ट वहीं से यहाँ हायर करेगी। ऐसे बहुत सारे सवाल आए थे मेरे पास, तो सभी का जवाब मिल गया होगा आपको। दोस्तों, आप अपना घर छोड़ते हो, अपना कंट्री छोड़ते हो, अपना देश छोड़ते हो, क्यों? बिकॉज ऑफ मनी। इफ़ यू गेट मोर गुड पोजिशन, गुड सैलरी, एवरीथिंग इज गुड, और आप उसमें हैप्पी हो, यू हैव टू चूज दैट कंट्री। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दुबई ही जाना है, बहरीन ही जाना है या सऊदी जाना है। जहाँ आपको अच्छा पैकेज मिल रहा आप वहाँ जाइए। दोस्तों, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जग्गू दादा को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल जगत ऑफिशियल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। आपका दोस्त का कोई मैसेज होगा नीचे लिखें, उसको बोलो मैसेज लिखें अपना, उस विषय पर मैं अपना ज़रूर राय दूंगा। ऐसे सवाल आपको नए वीडियो में मिलते रहेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।